नमन पढ़ लिया तूने? अरे ये क्या हो गया, कोई साइकिल गिर गई, कोई बात नहीं। सो दोस्तों अब एग्जाम का वक्त हो चुका है हमारा, एंड अब देखो सारी की सारी भीड़, अब स्टूडेंट्स के अब हम एग्जाम हॉल अपने जा रहे हैं। सो अब देखते हैं क्या होता है एग्जाम में। Speak at appropriate time. Be polite. Acknowledge contribution of others. Guys, देख रहे हो एग्जाम अब जा रहे हैं हम हॉल तक, तब भी डेडिकेशन कितनी है, अभी भी पेज लेकर जा रहे हैं पढ़ते हुए रास्ते में। अपनी टंकन तैयार करो बोलने के लिए। गौरव अब and respect everyone's opinion. गौरव इतनी डेडिकेशन के चलते हुए अभी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग दोनों? हाँ वो अभी एग्जाम आई ना इसीलिए। पढ़ाई करा था कि नहीं करा? अभी जो शुरू की है, अभी शुरू किया है पढ़ाई। अच्छा अच्छा, और रस्ते और चलते चलते 15 मिनट में पूरी पूरा 500 स्लाइड्स पढ़ लेगा ये तो? पढ़ नहीं लेगा, दिमाग में याद भी कर लेगा। इतनी डेडिकेशन अगर दो दिन पहले रहती तो आज पूरे नंबर आ रहे होते। अब क्या फायदा, 10 मिनट में क्या कर लेगा? क्रिएटिविटी क्या क्रिएटिविटी? और थोड़ी मैं भी पढ़ देता हूँ यार, ये तो मैं भी भूल गया सब कुछ फिर भी पढ़ देता, रुक जाओ। क्या क्या डिस्कशन? अच्छा सो फाइनली अब चलो अपने आ गए एग्जाम हॉल, जो कि पीजे अब्दुल कलाम लेक्चर हॉल ही अपना। सो वहाँ से एंट्री लेनी है हमें, सो जाते हैं उधर से, फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। गाइस सो हमारा फाइनली एग्जाम ओवर हो चुका है, इसी हॉल में हमने एग्जाम दी थी अपनी। और ये देखो कैसा गया समीर, एग्जाम कैसा गया? कैसा गया एग्जाम आ रहे हैं? चला गया एग्जाम, 22 नंबर मिलेंगे इस बार, लेकिन 50 में से 22 नंबर, पिछले बार 25 में से मिले थे। ये पेपर पेपर गाइस इस एग्जाम खत्म नहीं हुई कि यहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन पेपर फाड़ के भी रख दिया, बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, चलो गाइस सो फाइनली अब अपने हॉस्टल आ चुके हैं और सब अब हम फ्रेंड्स जा रहे लंच करने के लिए। लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं कि पेपर कैसा गया। बहुत इजी पेपर था, 50 मार्क का पेपर था, मैं 200 मार्क का लिख के आया हूं। ओ भाई साहब, एक्चुअली 20 मार्क्स आएंगे कि नहीं ये बताओ, 200 मार्क्स का तो तुम लिख कर आए हो। 50 मार्क का पेपर है, मैं 200 मार्क का लिख के आया हूं। लेकिन टीचर को 20 नंबर का लगा तो 20 देगा ना? टीचर मेरे को फुल मार्क्स देगा। अच्छा, और बोनस मार्क्स भी दे देगा अगर होते। अच्छा अच्छा, बढ़िया। आर्यन तुम्हें इस एग्जाम से कोई उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीदवार है, उम्मीद कुछ नहीं है, अच्छे मार्क्स आ गए। अच्छा, उतनी उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद वैसे कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। अच्छा अच्छा, ज्यादा कुछ उम्मीद लगती भी नहीं है, मतलब ठीक है, उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। उम्मीदों से सिर्फ क्या बोलते हैं, मायूसी छाती है बस, ठीक है। कहाँ से लाइन लेकर आ रहा? चलो 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 लंच करने चलते हैं। पीस अराइजेस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। एक्चुअली गाइस सो मेस खुलने में तो अभी वक्त था, तो हम वापस आ गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना ओरियो शेक पिया जाए। नहीं पेपर अच्छा गया, इस खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, हाँ गाइस सो याद रखो ये गौरव ने हमें ओरियो शेक पिलाया है। हाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये ओरियो शेक गौरव की तरफ से है दोस्तों, गौरव ने पिलाया पे किया है। हाँ लेकिन ये पे किया हुआ पैसा इसलिए क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करने का। तो फाइनली मेस हमारा खुल गया एंड हम सब लोग आ गए अपना लंच करने के लिए। एंड आज तो लेमन राइस बनी है एंड आलू मटर की कोई सब्जी बनी है, एंड साथ में आज हमें अमरूद भी दिया गया है, सो अच्छी बात है। तो चलो खाते हैं, वैसे आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो भूख काफ़ी लगी है। सुबह के 4:44 हो रहे हैं दोस्तों, और ये देख सकते हो राधा कृष्ण भवन की लाइट जो काफ़ी अच्छी लगती है अंधेरे में, सो तो काफ़ी खूबसूरत लगी रही है। एंड आज हमारा डे टू है ऑफ आर एग्जामिनेशन, आज हमारा फिजिक्स का पेपर है। सो फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह चैप्टर सारे हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। एक बार याद करो तो बार बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो वापस रिवाइज़ करना पड़ता है। सो वो रिवाइज़ करते करते एंड एक चैप्टर और मैंने पढ़ा नहीं था, सो वो पढ़ते पढ़ते सुबह के कब 5 बजे का पता ही नहीं चला। यही होता है अगर कहीं आप एक जगह फोकस्ड रहो तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो आज रात तो सो नहीं पाया, 6:10 से पेपर और सुबह के 5 बज रहे हैं। सो कोई बात नहीं, पढ़ाई तो पूरी हो गई, अच्छे से पढ़ लिया मैंने सब कुछ, अब देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है। अभी तो पूरा ब्लॉक वगैरह सब कुछ खाली है, सब लोग सो रहे हैं, एक दो लोग उठे हैं अभी, वो गए हैं चाय पीने, फिर उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं 1 घंटे सो लेता हूँ तब तक, चलो ठीक है देखते हैं। तो दोस्तों अब वक्त है मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम को देने का, और अब हम जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम हॉल की तरफ, देखते हैं फिजिक्स का कैसा हमारा पेपर जाता है। तैयार तो हूँ, जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से। अच्छा सो फाइनली गाइज हमारा फिजिक्स का पेपर ओवर हो चुका है एंड हम अपने वापस से
और भवन पे आ चुके राजेंद्र भवन में। देखो मेरे पीछे सब लोग अपने अपने साइकिल्स और बैग्स के साथ आ रहे हैं। सो अब हम मेस के लिए जा रहे हैं। मेस भी हमारा ओपन होने वाला है 1 बजे से। सो खा के ही जाते हैं फिर रूम में। चलो श्रीकांत, कैसा गया फिजिक्स का पेपर? ऐसे सवाल नहीं पूछते। कैसा गया फिजिक्स का पेपर गौरव? बढ़िया गया। बढ़िया गया? इतना हार्ड मतलब सोचा था उतना हार्ड था नहीं। कुछ करने लायक क्वेश्चन थे बहुत सारे। लेकिन तेरे तो गलत हो गए काफी सारे। गलत नहीं हुए यार, बस मैंने फॉर्मूला देखा ठीक से थोड़ा। अच्छा। मतलब वो कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो गई बस। okay. और वो एक दो में हुए, बाकी में नहीं हुए। ओ, अच्छा अच्छा, बाकी मोस्ट ऑफ द ठीक है। ओके ओके ओके। आयुष, कैसा गया फिजिक्स का पेपर? मोस्ट अवेटेड पेपर था हमारा। बहुत अच्छा हुआ। तो कहाँ से देखा? कितने सीजीपी आ रहे हैं? 9, 10, 10, 11 सीजीपी, 11 1+1, 2 सीजीपी। मेरी 16 आ रही है। ओ, इसकी 16 आ रही है, क्या बात है। सो गाइस, अब तो शाम हो चुकी है एंड मैं लंच करने के बाद जाकर सो गया था, क्योंकि मैं होल नाइट तो मैं पढ़ रहा था। सो मैं सुबह को 2 घंटे सोया था, तो फिर मुझे काफ़ी नींद आ गई रही थी। सो मैं लंच करने के बाद जाकर सो गया था और फिर मैं अभी 2 घंटे पहले उठा हूँ। तो फिर अभी अभी तो हमारा डिनर करने का वक्त हो गया है, तो अभी हम सब डिनर करने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो एग्ज़ाम में रास्ता कितना सुनसान होता है, मतलब इस पे कितने कम लोग हैं। ऐसे जनरल डेज पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन ईटी की एग्ज़ाम चल रही है, सो होती है, हाँ, शोर भी बहुत होता है। हाँ, लेकिन ईटी चल रहा है तो उसका सन्नाटा है पूरा। सब अपने कमरे में है, अपने कमरे में कोई पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन हम खाना खाएंगे। ठीक है, खाना चाहिए। हाँ, खाना खाना ज़रूरी है। गौरव, आज की खाने से कोई एक्सपेक्टेशन है? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी है, पता है। हाँ। मैं सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि कुछ खाने को मिले, मतलब मैं जिंदा रह सकूँ। जिंदा रह सकूँ बस। अच्छा। पढ़ाई में मन लग सकता है। अच्छा, बाकी सब एक्सपेक्टेशन छोड़ चुका हूँ। अच्छा, कुछ भी दे दो बस पेट भर जाए मेरा। अच्छा, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं आज क्या बना है। पहले फिंगरप्रिंट तो अपना वेरीफाई कर ले। लेट्स गो। अरे, वेरीफाई नहीं हो रहा, हो गया। तो दोस्तों, आज तो फ्राइड राइस बनी है एंड दाल बना है, साथ में गोभी मंचूरियन भी बनी है। तो अच्छा है, और काला जाम मिठाई भी मिलता है। चलो अच्छा है, कुछ मीठा भी मिल गया। तो चलो खा लेते, काफ़ी भूख भी मुझे लगी है। गाइस, आज का खाना अच्छा था। हाँ, इसीलिए क्योंकि हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, ठीक है, फिर से वही लाइन, पीस अराइजेस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। वही, इसलिए कुछ एक्सपेक्ट करो ही मत आप जिंदगी से। सूरज, आज का खाना कैसा लगा था? काफी अच्छा था। काफी अच्छा। आज ठीक था, मतलब नॉर्मल डे से ठीक लगा था। तीन दिन के बाद अच्छा खाना दिया, इसलिए एक्सपेक्टेशन रखो मत। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ना करो तो ठीक है। एक्सपेक्टेशन रखो तो क्या होता है, अगर मिल जाए तो बढ़िया, खुशी होती है। अगर अच्छा, ना मिले तो बहुत दुख होता है। अच्छा, लेकिन मैं कारण ही वही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा था कि खाना खत्म हो गया, खाना खा भी लिया, उसके बाद यहाँ पे चलते चलते ये बोल रहा, मतलब नहीं ठीक है। वो मेरे दिमाग में था, रिकॉर्ड करना था ताकि ऑडियंस को भी पता चले। अच्छा, तू मोटिवेट कर रहे थे एक्चुअली, मतलब खाने से तो मोटिवेट कर रहे हो एक्चुअली। अच्छा, और ये चीज हर चीज में वैलिड नहीं होती है, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे ये वैलिड होता है कि आप एक्सपेक्टेशन ना रखो। अच्छा, ओके, डिस्क्लेमर है यार, हर चीज में थोड़ी ना लगा सकते हैं। आप समझो, किसी भी चीज में एक्सपेक्टेशन मत रखो। एवरीथिंग एंड एवरी स्टेटमेंट इज कंडीशनल। नथिंग इज अनकंडीशनल यार। इतनी ज्ञान की बातें कैसे आ रही है तुम्हारे अंदर से? वो अभी थोड़ी पढ़ाई चालू की है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी आ जाती है बीच में, दिमाग ज्यादा चल रहा है ना। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाई। कनव, कनव, अरे ये तो सो गया, लैपटॉप चलाते चलाते उठाता हूँ। कनव, कनव, उठो। ब्लॉग बना रहा क्या? मैं तो बस ऐसे ही कैमरा लेकर आया था, मैंने देखा कि तुम तो लैपटॉप चलाते चलाते सो गए। लैपटॉप चलाते पढ़ी ना था यार। वो पढ़ रहे थे, क्या था? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स पढ़ रहे हो? परसों पेपर है क्या? हाँ, मैथ्स का पेपर है हमारा परसों। सो प्रिपरेशन कैसी है? चल रही है बस। चल रही है। स्माइल, ये सवाल के बाद ये स्माइल, मुझे कुछ फीलिंग आ रही है कि कुछ ठीक नहीं है। किसी का ठीक नहीं है, क्या करें, एक पेपर खत्म होता है दूसरा पेपर चालू। अब वो तो एग्जाम से करना ही पड़ेगा। अभी आज इतना भारी पेपर देके हटे हैं, बट लगे हैं अगला मैथ्स का पेपर पढ़ने। ये कौन सा चैप्टर है? वेक्टर कैलकुलस? नहीं नहीं, इंटीग्रल है। इंटीग्रल वाला, इंटीग्रल वाला मैंने पढ़ा। गुड गुड गुड, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम तो, पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हो। सर्दियों ऊपर से पेपर। अच्छा, नींद, सर्दियों में नींद तो बहुत आती है, विंटर में भाई साहब नींद तो काफी आती है, बट अच्छा है, चलो पढ़ाई कर रहे हो। हमारे कंधों पे देश का जाना है। अच्छा, IITN हो तुम, वो फ्लेक्स फ्लेक्स मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। बट फ्लेक्स यार, देख मेहनत उतनी है, करनी पड़ रही है, पेपर है। हाँ, बात तो सच है।
तो चलो यार अब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। सब कुछ तो कर ही लिया और एग्ज़ाम देकर आए हैं, तब से कुछ पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की। अब स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि अब कल से स्टार्ट करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगी। जितनी जल्दी स्टार्ट करूँगा उतनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैथ्स है काफ़ी थोड़ी सी टफ तो होती है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। लेट्स गो।